नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहली नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन में 5 विधायकों के घर जले, 3 प्रदर्शनकारियों की मौत। चूड़ाचंदपुर में कर्फ्यू, नागरिक संरक्षण विधेयक और भूमि सुधार बिल का विरोध। ओडिशा में मलकानगिरी पुलिस को बड़ी सफलता, माओवादी नेता सहित 120 से अधिक गांव वालों के साथ किया आत्मसमर्पण, नक्सलियों को समर्थन नहीं देने का ऐलान। वित्त मंत्री ने किया हर साल पेंशन में संशोधन से इनकार, आंदोलनकारी हर 2 साल में संशोधन पर राजी, वन रैंक वन पेंशन पर सैद्धांतिक सहमति। असम में 1600 गांव डूबे, आज भी भारी बारिश की चेतावनी, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में मंडराया, सूखे का खतरा, मॉनसून में 11% की कमी। कोलंबो टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत, जीत के लिए चाहिए 7 विकेट, श्रीलंका को और बनाने हैं 319 रन। चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं। मणिपुर में स्थानीय लोगों के अधिकारों से जुड़े 3 विधेयक पारित होने के बाद हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ANI के मुताबिक अब तक 3 की मौत हो गई है, जबकि 14 घायल हैं। प्रदर्शनकारियों ने बीती रात चूड़ाचंद्रपुर जिले में परिवार कल्याण मंत्री फुंगजापाहांग तोनसिंग, सांसद थांगसो बाते और 5 विधायकों के घरों में आग लगा दी। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन विधेयकों के विरोध में 3 आदिवासी छात्र संगठनों ने सोमवार को 12 घंटे के बंद बुलाया था। मणिपुर विधानसभा ने कल मणिपुर नागरिक संरक्षण विधेयक और भूमि राजस्व और भूमि सुधार बिल पारित किया। आदिवासी संगठनों का आरोप है कि भूमि राजस्व बिल पारित होने के से गैर आदिवासी अब आदिवासियों की जमीन खरीद सकेंगे। मणिपुर में बीते दिनों से बाहरी लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने की मांग को लेकर भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इधर ओडिशा में मलकानगिरी जिले में कल माओवादी नेता मीसी मेस्का ने 126 गांव वालों के साथ आत्मसमर्पण किया। मेस्का पर 1 लाख रुपए का इनाम था। बड़ी सफलता मान रही है कि सभी सिलकोटा गांव के रहने वाले हैं। इस गांव में कोई सरकारी सुविधा नहीं है, माओवादी सड़क और दूसरे काम नहीं करने देते हैं। इन लोगों ने कहा कि अब वो माओवादियों को समर्थन नहीं देंगे और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे। माओवादी नेता गंगामढ़ी और मुका कुंजामी ने भी आत्मसमर्पण के लिए पुलिस से संपर्क किया है। सिलाकोटा में हमेशा मुझे कि हमारे पास सरेंडर किए हैं और हमको समाज के मुख्य स्रोतों धारा करने के लिए हम उनको स्वागत करते हैं। और सिलाकोटा के कुछ 100 फैमिलीज हमारे पास आज आए हैं और वो माओवादी जो आदर्श है उसको छोड़ के सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, हम उनको भी वेलकम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के भागलपुर में परिवर्तन रैली को संबोधित करेंगे। राज्य में प्रधानमंत्री की यह 4थी रैली है। रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। रैली में NDA के घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री से पहले मुजफ्फरपुर, गया और सहरसा में रैली कर चुके हैं। रविवार को RJD, JDU और कांग्रेस ने पटना में स्वाभिमान रैली की थी। इसमें महागठबंधन के नेताओं ने केंद्र की NDA सरकार पर कई आरोप लगाए थे। बिहार चुनाव के लिए BJP और उसकी सहयोगी दल 1 हफ्ते के भीतर सीटों का बंटवारा कर सकते हैं। कल BJP अध्यक्ष अमित शाह के साथ सहयोगी दलों ने सीटों के बंटवारे और चुनाव रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद NDA के सभी दलों ने मतभेदों से इनकार करते हुए बिहार में बहुमत पाने का दावा किया है। BJP अध्यक्ष अमित शाह के घर NDA के सहयोगी दलों की बैठक में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई। हालांकि बैठक के बाद BJP और उसके सहयोगी दलों ने एकजुटता दिखाने की पुरजोर कोशिश की। LJP प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 1 हफ्ते के भीतर बिना किसी मनमुटाव के सीटों का बंटवारा होने का दावा किया। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के NDA के नेता हैं, प्रधानमंत्री जी ABCDEFGHIJKLMNOP जिसको क्या कहते हैं कि बना देंगे, हम मोहर मार देंगे। रालोसपा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने बिहार में पूर्ण बहुमत मिलने का दम भरा।
हम लोगों का एक ही मकसद है, एनडीए कैसे 243 जगह जीते, क्योंकि एनडीए अच्छा बहुमत के साथ जीतेगा तो हम ठीक से सरकार चला पाएंगे। जैसे डेट अनाउंस होगा उसके पहले सीट शेयरिंग का मामला तय हो जाएगा। हमारे एनडीए में सीट शेयरिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनडीए घटकों ने लालू, नीतीश और कांग्रेस के मेल पर तंज कसा। राज्य में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जनता बिहार में परिवर्तन चाहती है और इसका अनुमान आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के साझा रैलियों को देखकर लगाया जा सकता है। कल की रैली में ना कोई ताली बजा रहा था, ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की रैली में जो उत्साह उमंग है, एक बदलाव और परिवर्तन का लोगों ने मन बना लिया है और सभी हमारे गठबंधन के सहयोगी दल मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। बैठक में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच एक दूसरे पर बयानबाजी से बचने पर भी सहमति बनी। आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की घोषणा के बाद से ही एनडीए, खासकर बीजेपी नेतृत्व पर फैसला लेने का दबाव बढ़ गया है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। गुजरात के सूरत में आज से पटेल समुदाय फिर से आरक्षण के लिए आंदोलन करेगा। आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल के अनुसार दूसरे चरण का यह आंदोलन पहले आंदोलन से ज्यादा व्यापक होगा। आरक्षण की मांग पर अड़ा पटेल समुदाय अब आर पार के मूड में है। आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल आज से सूरत में दूसरे चरण के आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। पटेल का दावा है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा। अगर हमें हक नहीं मिला तो हम लड़ाई खोल कर लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले हार्दिक पटेल ने दिल्ली में कई समुदाय के नेताओं से मुलाकात की और समर्थन देने की अपील की। अगर हम एकजुट होकर वो सोचने लगने चाहिए, कौन सी बात की होगी उन लोगों ने, उस 100 गुज्जरों ने, अगर 100 गुज्जर से वहाँ संसद भवन में लोग डरते हैं तो मान लो पूरे हिंदुस्तान से 27 करोड़ एकजुट हो जाए तो क्या होता है। इससे पहले अहमदाबाद में पटेल समुदाय ने रैली की थी, जिसके बाद गुजरात के कई शहरों में हिंसा हुई थी। अब एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हो रही है। हार्दिक पटेल दावा कर रहे हैं कि आंदोलन को पूरा देश देखेगा और अब ये गुजरात के घर घर तक पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वन रैंक वन पेंशन पर अब भी गतिरोध बरकरार है। केंद्र सरकार ने हर साल पेंशन में संशोधन की मांग से इनकार कर दिया। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उच्च पेंशन दरों के साथ कम उम्र में रिटायर होने वाले सैनिकों के हितों की रक्षा का भरोसा दिया है। वहीं जंतर मंतर पर धरने पर बैठे सैनिकों की माने तो पेंशन में हर 2 साल में संशोधन के लिए तैयार हैं। तकरीबन 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर जारी ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। मुलाकातों के कई दौर चले, लेकिन समाधान अब तक नहीं निकल पाया। केंद्र सरकार ने अब पेंशन में सालाना बढ़ोतरी से साफ इनकार कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि ओआरओपी का मतलब क्या है, इसके लिए मेरा अपना फार्मूला है। किसी और का ओआरओपी पर अपना फार्मूला हो सकता है, लेकिन यह तार्किक मापदंडों के हिसाब से होना चाहिए। आप ऐसे ओआरओपी नहीं लागू कर सकते जहां पेंशन हर महीने या हर साल संशोधित होती हो। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार उच्च पेंशन दरों के साथ कम उम्र में रिटायर होने वाले सैनिकों के हित की रक्षा करेगी। वो वन रैंक वन पेंशन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन केवल एक मुश्किल है और वो है उसका गणितीय जमा घाटा। वहीं दूसरी ओर पूर्व सैनिकों की माने तो वो हर 2 साल में संशोधन के लिए तैयार हैं, जबकि विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। हमारे देश को किसी की बुरी आंख ना लगे, ये हम कहा करते थे। आज हमारी सरकार ने हमारे ऊपर बुरी आंख लगा दी है सर, हम बहुत दुखी हैं, हमें आंखों में आंसू आते हैं। देखिए, सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, उनके अच्छे दिन आ गए, अब उन्हें बाकी किसी की परवाह नहीं है। आज प्रदर्शन का 79वां दिन है। सैकड़ों जंतर मंतर पर विरोध जता रहे हैं तो 12 पूर्व सैनिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जिनमें से 6 पूर्व सैनिकों की तबीयत कई बार बिगड़ चुकी है। उनकी माने तो जब तक वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं किया जाता, वो पीछे नहीं हटेंगे।
अब ऐसे में सरकार पर जल्द से जल्द फैसला लेने की चुनौती बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के कटक जिले के शिशु भवन अस्पताल में नवजातों की मौतों का सिलसिला जारी है। पिछले 11 दिनों में अब तक 53 मौतें हो चुकी हैं। राज्य सरकार ने जांच के लिए समिति का गठन कर दिया है, जबकि केंद्र राज्य सरकार को मदद की बात कर रही है। हालांकि पिछले कई सालों के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो हकीकत वाकई में दर्दनाक है। कटक का शिशु भवन सरकारी अस्पताल, पिछले 11 दिनों में यहां 53 नवजातों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने जांच के लिए समिति का तो गठन कर दिया है, लेकिन मौतों का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि पिछले 5 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो चौंक उठना लाजमी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यहां पिछले 5 साल में 5,900 नवजातों की मौत हुई है, जबकि पिछले 3 महीने में 407 बच्चों ने यहां दम तोड़ा है। सरकार की तरफ से यहां 48 डॉक्टरों की मंजूरी है, लेकिन आलम देखिए कि 20 डॉक्टर ही पूरे अस्पताल को संभाल रहे हैं। शायद यही वजह है कि ओडिशा में शिशु मृत्यु दर 51% है, जबकि देश की औसत दर 40% है। कटक मेडिकल कॉलेज है, एससीबी मेडिकल कॉलेज, उसकी वो एनेक्सी है। कुछ चौंकाने वाली तथ्य सामने आई, अचानक कई बच्चों की मृत्यु हुई है। राज्य सरकार को क्राइसिस मैनेज करने के लिए जितना भी मदद चाहिए, तात्कालिक मदद चाहिए, टेम्पररी मेजर चाहिए, सारे चीजों में भारत सरकार मदद करेगी। विपक्ष कई तरह के आरोप लगा रहा है। उसकी माने तो यहाँ की दयनीय स्थिति के चलते लोगों को निजी अस्पताल में भी जाना पड़ता है, जिसके पीछे एक साजिश और निजी गठजोड़ नजर आता है। The way the things are being managed by the health department, the government of Orissa, it looks as if the private interest is there and people are forced to go to the private nursing homes. अपने कलेजे के टुकड़े को खोने का दर्द क्या होता है, इन तस्वीरों के बाद समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। लोग मजबूर हैं, निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते, वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन अफसोस यहाँ मरहम के बजाय उन्हें ताउम्र सताने वाला दर्द नसीब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई कमी के चलते पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आधी रात से कमी आई है। दिल्ली में पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। दिल्ली में अब पेट्रोल 61 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 44 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर हो गई है। अन्य राज्यों में भी इसी तरह से घटी कीमतें लागू होंगी। इससे पहले तेल कंपनियों ने 15 अगस्त को पेट्रोल की कीमतों में 1 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 1 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर की कटौती का ऐलान किया था। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद देखिए HDFC केनरा बैंक ने घटाई ब्याज दरें। साइंस की खबरें हो या तकनीकी उलझन, नमस्कार, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। विज्ञान की फिल्में हो या फिर अन्वेषण, जर्मनी में भारतीय मूल के वैज्ञानिक और उनकी टीम ने हृदय रोग और फेफड़ों के रोग से संबंधित शोध में एक बड़ी सफलता हासिल की है। वैज्ञानिकों से मुलाकात, सब कुछ एक साथ देखिए हर हफ्ते ज्ञान विज्ञान सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक ओर देश के पहाड़ी राज्यों में बाढ़ से तबाही मची हुई है, तो वहीं दक्षिण और मध्य भारत में सूखे के चलते खेती बर्बाद हो रही है। सिर्फ असम में ही बाढ़ से अब तक 1,00,000 हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक के एक बड़े हिस्से में पानी की कमी से हजारों हेक्टेयर की फसल सूख गई है। मानसून में कमी 11% तक पहुँच गई है। ये तस्वीरें हैं असम में बाढ़ से तबाही की। राज्य के 15 जिलों के करीब 7.5 लाख से ज्यादा लोगों पर बाढ़ की मार पड़ी है। 1600 से ज्यादा गांव जलमग्न हैं।
बाढ़ के सितम से लोगों को राहत शिविरों में पनाह लेनी पड़ी है। अब तक 18 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की कई नदियां उफान पर हैं। असम में अगले 24 घंटों में शोणितपुर, दारंग, डिब्रूगढ़ और तिनसुखिया जिलों में बाढ़ की ताज़ा चेतावनी जारी की गई है। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। एक तरफ बाढ़ से लाखों हेक्टेयर खेती तबाह हो गई है, वहीं देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे की मार झेलने को विवश है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 12 राज्य और क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस बार मानसून की बारिश औसत से 20% या उससे भी अधिक कम हुई है। अगले कुछ दिनों में हालात नहीं सुधरे तो इन इलाकों में सूखे का खतरा बढ़ता जाएगा। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में इस बार मानसून ने धोखा दे दिया, यहां औसत से 50% कम बारिश हुई है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बारिश 39% कम, जबकि उत्तरी कर्नाटक में ये कमी 42% है। मानसूनी बारिश की कमी कृषि प्रधान उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून की बारिश औसत से 35% कम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33% कम हुई है। पंजाब में औसत से 31%, केरल में 32%, तेलंगाना में 25%, इसी तरह गुजरात के बड़े हिस्से दमन और बिहार में भी कम बारिश आंकी गई है। अपने समाप्ति के दौर में मानसून बहुत उम्मीदें नहीं जगा रहा है। जानकारों का मानना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश की कमी का पूरा होना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आपके लिए एक अच्छी खबर है, बैंकों ने अपना लोन सस्ता करना शुरू कर दिया है। देश में निजी क्षेत्र में दूसरे नंबर के HDFC बैंक ने सोमवार को बेस रेट में 0.35% की कटौती का ऐलान किया। इसके चलते बैंक की नई आधार दर 9.35% हो गई। बैंकिंग इंडस्ट्री में यह सबसे कम बेस रेट है। सरकारी क्षेत्र के केनरा बैंक ने भी अपनी आधार दर को 0.10% से घटाकर 9.90% कर दिया है। आपको बता दें कि बेस रेट वो आधार ब्याज दर होती है जिससे नीचे बैंक कोई लोन नहीं दे सकता। नई दरें आज से लागू हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर जमा रकम पर अब एक्सिस बैंक कम ब्याज देगा। बैंक ने फिक्स डिपॉजिट दरों में 0.20% से 0.50% तक की कटौती की है। ये कटौती भी आज से लागू हो जाएगी। आमतौर पर बैंक पहले FD दरें कम करते हैं, फिर बेस रेट घटाते हैं, और यही वजह है कि एक्सिस बैंक के इस कदम को बेस रेट में कटौती की तैयारी का संकेत माना जा रहा है। दिल्ली वासियों को लुभाने के लिए चलाई जा रही बिजली बिल समाधान स्कीम दिल्ली सरकार के जी का जंजाल बन सकती है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि स्कीम न केवल सरकारी खजाने पर बोझ बन जाएगी बल्कि इसके राजनीतिक लाभ को देखते हुए इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। हाँ, ये हैं गौरव सिंह, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बिजली आंदोलन के समय से उनके साथ जुड़े हैं। गौरव पर साल 2014 में बिजली मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगा, जिसके बाद वितरण कंपनियों ने जुर्माने के साथ 90,000 का बिल उन्हें भेज दिया। लेकिन रविवार को लॉन्च हुई दिल्ली सरकार की बिजली बिल समाधान स्कीम के तहत गौरव को केवल 5800 रुपए में इस झंझट से निजात मिल गई। काफ़ी पुराना मीटर था, मेरे से ये कहा गया कि आपको नया मीटर लगवाया जाएगा क्योंकि ये पुराने मीटर हटाए जा रहे हैं, और मैंने उसके लिए एग्री हो गया और मेरे को उन्होंने नया मीटर लगा के दिया। लेकिन ठीक 1.5 साल बाद इन्होंने मेरे को नोटिस भेज दिया कि आपके पास 90,000 रुपये ड्यूज है। 30 दिन के लिए शुरू हुई दिल्ली सरकार की बिजली बिल समाधान स्कीम के मुताबिक मीटर से छेड़छाड़ के मामलों में पकड़े गए उपभोक्ताओं को 100% सरचार्ज माफ कर बकाया बिल पर 2/3 की छूट दी जाएगी। बिजली चोरी के मामलों में भी दिल्ली वासियों को इसी तरह की सुविधा मिलेगी। इस स्कीम का सबसे ज्यादा लाभ JJ क्लस्टर और मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को होगा। सरकार का दावा है कि इससे करीब 2.5 लाख लोगों को फायदा मिलेगा, लेकिन जानकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते। पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात आ जाती है और वो हम वेलकम नहीं करते हैं, क्योंकि इस तरह से इसका पॉलिटिकल मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है।
अक्टूबर 2012 में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से बिजली के बिल ना भरने की अपील की थी। केजरीवाल की अपील के बाद झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के अलावा 2500 और लोगों ने बिजली के बिल जमा करने से इनकार कर दिए थे। हालांकि केजरीवाल की स्कीम से दिल्ली वासियों को राहत तो मिली है, लेकिन सरकारी खजाने पर इसका बोझ बढ़ता नजर आ रहा है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। जन जन तक पहुंचाएंगे। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून के दौरान जीडीपी विकास दर 7% रही। 2014-15 के आखिरी तिमाही में यह आंकड़ा 7.5% था। इस साल अप्रैल जून के बीच कृषि क्षेत्र में 1.9%, विनिर्माण क्षेत्र में 7.2% की दर से विकास हुआ। कारोबार, होटल, परिवहन और संचार क्षेत्र में विकास दर 10 अंकों में दर्ज किया गया। कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में 6.9% की दर से विकास हुआ। वहीं इस तिमाही में वित्तीय सेवाओं में 8.6% की दर से विकास हुआ। और इसी बीच जुलाई में बुनियादी सेक्टर के उद्योगों में विकास में कमी दर्ज की गई। कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और स्टील के उत्पादन में आई कमी की वजह से बुनियादी सेक्टर में 1.1% की दर से विकास हुआ, जो बीते 3 महीने का न्यूनतम स्तर है। और देश में आने वाले वक्त में सजाए मौत पर रोक लग सकती है। भारतीय विधि आयोग के रिपोर्ट में इसे सिफारिश की गई है। देशद्रोह और आतंकवाद में फांसी की सजा देने की सिफारिश की गई है। भारतीय विधि आयोग ने फांसी की सजा चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की सिफारिश की है। आयोग ने सिर्फ आतंकवाद और राष्ट्रद्रोह के मामलों में ही फांसी की सजा देने की बात कही है। कमीशन के 9 में से 6 सदस्य रिपोर्ट से सहमत हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत की सजा का सिद्धांत संविधान की बुनियादी भावना के खिलाफ है। The commission does not see any reason to wait any longer to take the first step towards abolition of the death penalty for all offences other than terrorism and waging war. The commission accordingly recommends that the death penalty be abolished for all crimes other than terrorism related offences and waging war. रिपोर्ट की प्रति कानून मंत्री को सौंपी जाएगी। पैनल के प्रावधानों में किसी भी बदलाव की मांग पर संसद ही विचार कर सकती है। याकूब की फांसी के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई थी। Does not serve the penological goal of deterrence any more than life imprisonment. It is a complete myth that the death penalty operates as a deterrent. It has no deterring effect. It has lost its deterring effect. That is the empirical data. सुप्रीम कोर्ट ने विधि आयोग को मौत की सजा से जुड़े अलग अलग मतों पर अध्ययन करने को कहा था। आयोग का कार्यकाल सोमवार को ही खत्म हो रहा है। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि देश में मुस्लिमों की दशा सुधारने के लिए काफी कुछ किया गया है, लेकिन अभी भी ये तबका समस्याओं से निजात नहीं पा सका है। उपराष्ट्रपति ने कल दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत की स्वर्ण जयंती के दौरान ये बातें कहीं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार को मुस्लिम समुदाय की दिक्कतों और उनकी सुरक्षा से जुड़े मसलों के लिए विशेष नीति पर जोर देना चाहिए। उन्होंने अमीरी और गरीबी के बीच बढ़ती खाई पर भी चिंता जताई। ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत की गोल्डन जुबली का आयोजन इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में किया गया। इस्लाम के तमद्दुर और तहजीब के फरोग में उनके हिस्से में किसी तबसरे की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी की जद्दोजहद में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ वो अहम हिस्सा थे। उनकी बुदोबाश मुल्कगीर है। लिसानी, समाजी और माशी लिहाज से भी वो यकसा नहीं है और काफ़ी हद तक इस तनव का मजहर है, जो बहैसियत कुल्ली हिंदुस्तानी अवाम का खासा है। देश और विदेश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए 10वां अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 10 से 12 सितंबर के बीच भोपाल में होगा। इस सम्मेलन में तकरीबन 2000 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबकि समापन गृहमंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। सम्मेलन में हिंदी के 20 भारतीय और 20 विदेशी विद्वानों को सम्मानित भी किया जाएगा। सम्मेलन परिसर हिंदी के मशहूर साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी और हॉल का नाम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम समर्पित किया गया है। भारत के लिए 22 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। कोलंबो में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के आखिरी दिन जीत के लिए भारत को
आज श्रीलंका के 7 विकेट चटकाने होंगे। कल चौथे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की दूसरी पारी में 67 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिरा दिए। भारत दूसरी पारी में 274 बनाने में कामयाब रहा। भारत को पहली पारी में 111 रनों की बढ़त मिली थी। इस तरह भारत ने श्रीलंका के सामने दूसरी पारी में 386 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई पारी की शुरुआत एक बार फिर खराब रही। ओपनर उपल थरंगा खाता भी नहीं खोल पाए और ईशांत शर्मा का शिकार बने। करुणा रत्ने उमेश यादव की गेंद पर कैच आउट हो गए और श्रीलंका का स्कोर 2 रन पर 2 विकेट हो गया। श्रीलंका को तीसरा झटका दिनेश चांडिमल के रूप में लगा। चांडिमल को 18 रन के निजी स्कोर पर ईशांत शर्मा ने पवेलियन की राह दिखाई। पहला टेस्ट श्रीलंका के ने जबकि दूसरा टेस्ट भारत ने जीता था। भारत 1993 के बाद से श्रीलंकाई सरजमी पर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका है। इधर यूक्रेन में संसद के बाहर हो रहा प्रदर्शन कल हिंसक हो गया। इसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई, वहीं 100 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए। दरअसल यूक्रेन के पूर्वी प्रांत को ज्यादा स्वायत्तता देने के विरोध हो रहा है और इस इलाके में विद्रोहियों का असर है। इस विधेयक पर कल संसद में वोटिंग हुई। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंके। हिंसा के लिए 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और फ्रांस के रक्षा मंत्री जियां यवेस ला द्रुया आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वो 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे पर बात करेंगे। इस दौरे में दोनों देश सौदे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तकनीकी वजहों से इस समझौते में देरी हो रही है। भारत चाहता है कि सौदे की 50% राशि भारत में ही निवेश की जाए। फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं है। अप्रैल में प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का समझौता हुआ था। तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। मणिपुर में हिंसक प्रदर्शन में 5 विधायकों के घर जले, 3 प्रदर्शनकारियों की मौत। चूड़ा चंदपुर में कर्फ्यू, नागरिक संरक्षण विधेयक और भूमि सुधार बिल का विरोध। ओडिशा में मलकानगिरी पुलिस को बड़ी सफलता, माओवादी नेता सहित 120 से अधिक गांव वालों के साथ किया आत्मसमर्पण, नक्सलियों को समर्थन नहीं देने का ऐलान। पूर्व सैनिकों की सालाना पेंशन बढ़ाने से वित्त मंत्री का इनकार, आंदोलनकारियों की हर 2 साल में बढ़ोतरी की मांग, वन रैंक वन पेंशन पर सहमति बनाने की कोशिश। असम में 1600 गांव डूबे, आज भी भारी बारिश की चेतावनी, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में मंडराया सूखे का खतरा, मॉनसून में 11% की कमी। और कोलंबो टेस्ट पर भारत की पकड़ मजबूत, जीत के लिए चाहिए 7 विकेट, श्रीलंका को और बनाने हैं 319 रन।